दुपट्टा भी होता है नेट का, नेट का लेकिन उसमें होल्स होते हैं ना? नहीं नहीं, वो दूसरा वाला भी होता है। कौन सा नेट का दुपट्टा इसमें होल्स नहीं होते? नो नो सॉरी, नेट का नहीं होता राजिया, कौन सा? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें होल होता नहीं है लेकिन उसमें से पानी टपकता रहता है? फ्रीजर की बर्फ। फ्रीजर की बर्फ? जुबान इंसान की। इनसे पूछ के बता। अच्छा आप क्लास में इंटेलिजेंट? या। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सुराख नहीं है लेकिन उसमें से पानी टपकता रहता है? आंखें। आंखें? आंखों में सुराख नहीं, उसमें से पानी टपकता है। आई थिंक मेरे ख्याल में कोई ये आप नेकी टाइप कोई पानी। पानी कुछ भी तो बर्फ ही होगी। बर्फ होगी। बर्फ होगी जिसमें पानी टपकता है। टपकती है और जिसमें सुराख नहीं है। हां अब थोड़ा जरा मेरा सही दिमाग हंसी ना होए। Assalamualaikum viewers, मेरा नाम है अर्शिया अब्बास और एक बार फिर मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए अंदर मार्केट में चलते हैं और चलकर पूछते हैं लोगों से कि क्या वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिसमें कोई सुराख नहीं है लेकिन वो टपकती रहती है? जिसमें कोई सुराख नहीं है लेकिन वो टपकती रहती है। एहसासात? एहसासात टपकते हैं? इमोशंस? इमोशंस टपकते हैं? जुबान इंसान। ये क्या बात करता है यार? जुबान टपकती है? जैसे डिफरेंट क्रेविंग्स वगैरह ऑल टाइम सुराख नहीं वो टपकती रहती है। बताएं? नहीं पता। इनसे पूछ के बताएं। अब तुम्हें इसका भी मतलब बनाना पड़ेगा। इसको तो नहीं पता। नहीं आर यू श्योर? आपको नहीं पता? नहीं अभी ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा तो आप क्लास में इंटेलिजेंट? या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके सो टेल मी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सुराख नहीं है लेकिन वो टपकती रहती है? बस हवा निकल गई। नहीं पता। पानी? तो वही वो पानी टपकता रहता है लेकिन उसमें कोई सुराख नहीं है उस चीज में जिसमें से पानी टपकता है। Don't know. दीवार में से पानी? दीवार में से वो भी तो कहीं ना कहीं से लीकेज या सुराख तो होता ही। हाँ वो कहीं ना कहीं से लीकेज अंदरूनी होगा लेकिन मेन से तो नहीं ना होगा। लेकिन उसमें कोई लीकेज नहीं है। लीकेज भी नहीं है फिर भी पानी टपक रहा है। नहीं पता? मैं नहीं। टपकती है बदकिस्मती से। पानी टपकता है? पानी कुछ भी। बर्फ ही होगी? बर्फ होगी। बर्फ होगी जिसमें पानी टपकता है? नहीं लेकिन अगर पानी ना हो कोई और चीज हो। नहीं पानी में बर्फ में सुराख नहीं होगा। देखे ना, देखे मैं आपको बताती हूँ। देखे चाय भी टपक रही हो सकती है उसमें सुराख टपक सकती। आंखें हो सकती। सुराख तो है ना। आंखें हो सकती है। देखे आंखों से भी पानी निकलता है। थूक भी हो। आंखों में सुराख है। किधर? सुराख है तो पानी दिखाए कहा? ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिसमें सुराख नहीं होते लेकिन वो टपकती है। कैसे बेवड़ा सवाल है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? What? नहीं ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल है और मुझे बहुत लोगों ने जवाब भी दिया है। टपकती है और जिसमें सुराख नहीं है। हाँ अब थोड़ा जरा मेरा सही दिमाग। क्लियर करके ये सवाल मुझे समझा। मतलब एक ऐसी चीज है, मतलब कोई भी चीज होती है जिसमें जब तक सुराख नहीं होता है ना वो टपकती नहीं है ना। ठीक है जैसे कोई शॉपिंग बैग में पानी है तो वो टपक उसमें जब तक हम होल नहीं करेंगे तो टपकेगा नहीं। लेकिन ऐसी वो चीज है जिसमें होल है ही नहीं लेकिन फिर भी वो टपकती रहती है टपकती रहती है टपकती रहती है अंटिल वो खत्म ना हो जाए। कपड़ा में सुराख नहीं होते कपड़े के ऊपर पानी गिर जाए तो वो नहीं। टपकती है कि नहीं? आपका सवाल लॉजिक, आपका जवाब लॉजिकली आपको ठीक लग रहा है? कपड़े में सुराख नहीं होते आप कपड़े के ऊपर पानी डाल दो वो टपकती है।
को पैसा बर्बाद। होल हुआ ना इसको लाइट में करके देखते हैं तो तो दिस मैन इज अमेजिंग हैशटैग लायर गोल्ड। कुछ जाली का कपड़ा भी धो सकता है, जाली का कपड़ा भी धो सकता है। मैं जाली के कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके दुपट्टे की बात कर रहा हूँ। पीस तो बड़ा टाइट है, तो आपके शर्ट का बात कर रहा हूँ। इसमें भी पानी डालो तो ये चपकता है, इसमें सुराख नहीं है। ये कपड़े में पानी डालता कौन है आप बताएं पहले, आपने कभी डाले? नहीं। कपड़े में पानी क्यों नहीं डाले? तो पानी डाल के घूमते नहीं तो जब जेब धोते हैं तो उसे पानी नहीं निकलते हैं। ओ भाई अब हमारा दिल नहीं चाहता, आप काफी स्मोक है। कोई सेंस है इस बात क्या? मैं हंसमुख नहीं, मैं अपने फियर छुपा रही हूँ। अच्छा आपको नहीं ऐसा लगा तो अपनी पर्सनल राय दें, मुझे ऐसे की बात क्यों कर रहे हैं? लगा आपको नहीं लगा ना बुरा लगा? न्यूट्रल है ना आपका सुना, मुझे ना अच्छा लगा ना बुरा लगा। न्यूट्रल है इसका मतलब आपकी कोई राय नहीं? नहीं मेरा राय ये है मगर आप नाराज हो जाओगे, छोड़ो रे। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सुराख नहीं है लेकिन उसमें से पानी टपकता रहता है? आंखें, आंखों में सुराख नहीं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सुराख के बगैर भी पानी टपकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है? हो सकती है, मेरे जहन में नहीं आ रही। नहीं आ रही? उसमें से पानी टपकता है। आई थिंक मेरे ख्याल में कोई ये आप नेकी टाइप कोई। नेकी में से पानी टपकता है कुछ? नहीं नो आइडिया। दुपट्टा भी होता है नेट का? नेट का लेकिन उसमें होल्स होते हैं ना? नहीं नहीं वो दूसरा वाला भी होता है। कौन सा नेट का दुपट्टा इसमें होल्स नहीं होते? नो नो सॉरी नेट का नहीं होता राजिया, कौन सा? By the way, you look so pretty. Super model. Thank you so much. You too. Face तो बड़ा tight है। नहीं cancel नहीं करना, cancel क्यों करो? यार वो एक दुपट्टा होता है वो जो ना, ठहरो। ओ भाई, मारो मुझे मारो। मलमल का दुपट्टा होता है, उसके अंदर वाके पानी डालो, वो मैंने देखा था, वो पानी नहीं आया। हाँ, सच्ची में कह रही हूँ ले। मानती नहीं है ये लड़की। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें होल होता नहीं है लेकिन उसमें से पानी टपकता रहता है? फ्रीजर की बर्फ। फ्रीजर की बर्फ उसमें मेल्ट होती है तो पानी उसमें से गिरता ही रहेगा ना? तो जो बाकी की बर्फ होती है उसमें से नहीं गिरता? नहीं सॉरी मेल्ट हो जाएगी, पानी गिरता रहेगा। पक्की बात जी? श्योर अबाउट योर आंसर? बिल्कुल ठीक बोला। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। मुझे आज बहुत मजा आया लोगों से बात करके, तो आज इतना रश नहीं था लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर अमान अल्लाह। हसीना होए।